दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया के कई देश युद्ध में लिपटे हुए हैं, वहीं भारत कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे भारत को आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दरअसल हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जहां अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे दुनिया के बड़े बड़े देश महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं, वहीं ब्रिटेन जैसे देश भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं, भारत ने ऐसा क्या किया कि भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। हाल ही में एक खबर निकलकर आई है कि भारत ने गोल्ड रिजर्व और फोरेक्स रिजर्व के मामले में नई ऊंचाई हासिल करते हुए लगातार 7वें हफ्ते एक नया मुकाम हासिल कर लिया है, जिससे भारत का फोरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 2.9 यानी कि लगभग 3 अरब डॉलर बढ़कर 648.5 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ऐसे समय बढ़ा रहा है जब दुनिया के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक रूस और यूक्रेन के साथ साथ इसराइल और हमास के बीच ही युद्ध चल रहा था, जिससे दुनिया के कई देश अपनी इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे। वहीं अमेरिकी डॉलर के इतने बुरे हालात हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सदमे में हैं, वहीं पूरी दुनिया ये सोचकर पागल हो रही है कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत ऐसे समय पर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है जहां ज्यादातर विकासशील देश चौंकाने वाले कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी साल जनवरी महीने में भारत सरकार ने 8.7 टन यानी कि 8,700 किलोग्राम सोना खरीदा है। वहीं फरवरी 2024 के महीने में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सोने के भंडार में 6 टन यानी 6,000 किलोग्राम की वृद्धि की है। लेकिन अब भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन के आंकड़े को पार कर चुका है और इसके साथ भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला देश बन चुका है। और इस सूची में 8वें स्थान पर मौजूद देश जापान के पास 845 टन सोने का भंडार है, यानी जापान को पीछे छोड़कर गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बनने के लिए भारत को सिर्फ 29 टन सोने की जरूरत है। और जिस तरह आरबीआई हर महीने हजारों किलो सोना उठा रही है, उस हिसाब से तो अगले 2 महीनों में हम जापान को भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों का एक्सपोर्ट मार्केट और इकोनॉमी क्राइसिस की ओर जा रही है, और भारत की इसी बढ़ती अर्थव्यवस्था ने चीन, जापान और रूस के साथ साथ अमेरिका तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अपनी GDP ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर्स को भी ललकार रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सभी देश कंगाल हो चुके थे। तब अमेरिका ने फॉरेन ट्रेड के लिए दुनिया भर के देशों को अमेरिकी डॉलर अपनाने को मजबूर किया था, और डॉलर्स के बदले अमेरिका ने उन देशों से गाड़ियों से भर भर कर सोना खरीदा था। लेकिन 21वीं सदी में जब अमेरिका के गोल्ड रिजर्व कम होने लगे हैं, वहीं भारत अपने दम पर हर महीने कई टन सोना खरीद रहा है। इसके अलावा 75 साल पहले सबसे गरीब माने जाने वाले देश भारत की GDP भी आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, जहां 3.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत GDP के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है, जिसके आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे देश हैं। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा। इसी से यह बात मालूम पड़ती है कि भारत इकोनॉमिकली कितना ताकतवर बनता जा रहा है, और वह दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। जहां ब्रिटेन के पास सिर्फ 310 टन सोना है, वहीं भारत के पास 817 टन सोने का भंडार है। वहीं जो लोग कहते हैं कि भारत में कुछ नहीं है, पैसा कमाना है तो दुबई जैसे अरब देशों में चले जाना चाहिए, उन्हें बता दें कि वैसे ही एक अरब देश सऊदी अरेबिया के पास सिर्फ 323 टन सोना है, जो भारत से काफी कम है। लेकिन यहां भारत का मकसद इन छोटे मोटे देशों को पछाड़ना नहीं, बल्कि फॉरेन ट्रेड मार्केट में अपने महंगे डॉलर दिखाकर अमेरिका जो मनमानी करता आया है उसे टक्कर देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया भर के 90% देशों की करेंसी अमेरिकी डॉलर के सामने कमजोर पड़ी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के स्वर्ण भंडार। आज अमेरिका ने 8,000 टन गोल्ड रिजर्व से अपनी करेंसी की बैंकिंग कर रखी है, इसलिए डॉलर इतनी ज्यादा पावरफुल करेंसी बन पाई है। ऐसे में भारत भी अपने स्वर्ण भंडारों को बढ़ाकर इंडियन रुपए की बैंकिंग कर रहा है,
ताकि आने वाले समय में इंडियन रुपी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल करेंसी बन जाए। आपको बता दें कि भारत के सोने के भंडार को देखकर कई देशों ने इंडियन रुपए को ग्लोबल करेंसी की तरह इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। और अगर हम इसी तरह ग्रोथ करते रहे और अपने स्वर्ण भंडार भरते रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब इंडियन रुपया डॉलर को कड़ी टक्कर देगी। यानी कि जहां इस वक्त भारत के एक डॉलर की कीमत 83 रुपये है, वहीं आने वाले सालों में घटकर सिर्फ 1 रुपये तक पहुंच जाएगी। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। साल 2024 में भारत कम से कम 100 टन सोने की खरीदारी जरूर करेगा। यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ हमारे सोने के भंडार भरते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमत भी बढ़ती जा रही है। आज दुनिया भर में सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि यह कीमत आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले देशों को होगा, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि जो चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत के दम पर भारत को कड़ी चुनौती देता था, वह भी आज भारत सरकार के सामने घुटनों पर आ गया है, क्योंकि चीन की दादागिरी से परेशान आकर कई बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगा रही हैं। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। अगर बातचीत सफल रही तो यह चीन के लिए बहुत तगड़ा झटका साबित हो सकता है। यह सभी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं और अलग अलग लेवल पर भारत सरकार के साथ अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में लगभग 1000 से ज्यादा कंपनियां विभिन्न स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रमोशनल सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही हैं। यहां तक कि टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क 22 अप्रैल को नई दिल्ली में मोदी से मिलेंगे और अपनी भारत की योजनाओं के बारे में अलग से घोषणा करेंगे। एलन मस्क ने एक्स पर कहा था कि भारत में इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए जैसे कि हर दूसरे देश में हैं। भारत का ईवी बाजार छोटा है लेकिन बढ़ रहा है और स्थानीय कार निर्माता टाटा मोटर्स का दबदबा है। एलन मस्क और मोदी आखिरी बार न्यूयॉर्क में मिले थे और टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात कर कम करने की पैरवी की थी। भारत ने पिछले महीने एक नई ईवी नीति का अनावरण किया जिसमें कुछ मॉडलों पर आयात कर को 100% से घटाकर 15% कर दिया गया, जिससे भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा हम उतना ही ज्यादा सोना खरीद पाएंगे और इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आने वाले कितने सालों में अमेरिका और चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का नंबर एक देश बन जाएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।